जरा सोचो आपको कैसा लगेगा जब आपको सुनने में आएगा कि आपका बच्चा स्कूल से आ रहा था, अचानक से मर गया। आपकी बीवी किचन में खाना बना रही थी, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आपके परिवार में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, क्योंकि पूरे इंडिया में 1.75 करोड़ जो है शायद लोगों ने जो है कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है, और दुनिया में आजकल यही हो रहा है। सुनने में यही आ रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करते करते अचानक से मर जा रहा है। सिंपल सी बात है, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है इंडिया में और ऑल ओवर, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा, सुनने में यही आ रहा है, जितने लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब काफी लोग बोल रहे हैं सर ये अफवाह है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि अफवाह है या फिर जो है फैक्ट है। ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं कि इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है इसीलिए अफवाह उड़ रही है, लेकिन अफवाह है क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज जरा आप अपने दिमाग में सोच करके देखना कि खुदा न खास्ता आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो आपको कितना कष्ट होगा, कितनी बड़ी तकलीफ होगी। और जब जो है कोविशील्ड लगवाना था तब सरकार जो है काफी ज्यादा प्रेशर डाल डालकर लोगों को कोविशील्ड लगवा रही थी। क्यों लगवा रही थी? लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का सरकार को क्या हक है? हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कोविशील्ड के बारे में, जिसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे बातें हैं, कोविशील्ड से लोग मर रहे हैं, आप कैसे बचोगे, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। उस वीडियो के नीचे काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि ये फेक न्यूज है, ये है वो है, लेकिन इस समय वायरल चल रही है, इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है सर यही चीज, यही न्यूज चल रही है कि कोविशील्ड से ये मर रहा है, वो मर रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन एक चीज हम और आपको बता दें कि ये जो है अफवाह है या फिर फैक्ट है। जो एस्ट्राजेनेका है, जिसका फार्मूला था कोविशील्ड, वो इतनी बड़ी कंपनी है, अब भाई बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है मुझसे गलती हुई है। अब कोई जो कंपनी है पूरे संसार में अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगी, समझ रहे हो? एस्ट्राजेनेका अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगी? इससे ये भी साबित होता है कि ये जो है कोई फेक न्यूज नहीं है, ये 110% जो है ट्रुथ है, सच्चाई है सर, इस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने बताया है, किसी ना किसी जो है लेख में पहले बता दिया गया था जब वैक्सीन बन रही थी, कि उसमें बताया गया था कि 4 हफ्तों के अंदर आपको जो है टीटीएस सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ तो। लेकिन क्या है, अब जो है 2-3 साल बाद ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है जो कि एक सीवियर सिम्टम्स है। टीटीएस में होता क्या सर, टीटीएस सिम्टम्स में आपको जो है हार्ट अटैक आ सकता है, आपका जो प्लेटलेट काउंट है बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिससे आपको ब्रेन हैमरेज वगैरह होने की समस्याएं हो सकती हैं। अब यही चीज होता है, लेकिन मुद्दा ये है बेसिकली दो पार्टियां हैं, कांग्रेस से बीजेपी। कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कुछ कांग्रेस वगैरह को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अब सबका अलग अलग विचार है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। काफी लोग कहते हैं कि राजनीति के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन एक चीज और आप क्लियर किए होंगे, जो भी सर्टिफिकेट बनता है मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद, जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का उस पर फोटो लगा होता था, लेकिन आज अगर आप जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाते हो मोदी जी का फोटो वहां से हट चुका है। क्यों हटाया गया इसके बारे में अभी जो है कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है सर, हटाया गया, इससे लग रहा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गलती हुई है, लोगों के दिमाग में बहुत उल्टे विचार आ रहे हैं। ठीक है, और इस समय इलेक्शन का समय भी चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी की, कि इसको जो है इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। बेसिकली जो सरकार वर्तमान में है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसको मतलब जिम्मेदारी लेना चाहिए कि क्यों डेथ हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, बेसिकली इंडिया में क्या है, 175 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है कोविशील्ड। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कंपनी का ये दावा है कि बहुत रेयर केसेस में जो है साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, मान लीजिए 10 लाख लोगों में एक लोगों को जो है साइड इफेक्ट दिखाई दिया, उसको टीटीएस सिम्टम्स शो हुआ, तो मान लीजिए 175 करोड़ लोगों को लगी है तो 100 200 500 लोगों के ऊपर तो खतरा तो है। अब उन 10 लाख लोगों में मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता, समझ रहे हो? 10 लाख लोगों में एक लोगों को जो है हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत गंभीर जो है समस्या इस समय भारत में आ चुकी। अब करना क्या है, इसमें बचाव क्या है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो है 100 200 500 आदमी के जीवन से खेलना जो है सरकार को हक किसने दिया बताओ, नहीं दिया ना। अब हो क्या रहा, सरकार एक मतलब सरकार कुछ इस पर एक्शन भी नहीं दे रही है। बेसिकली मुद्दा सरकार को लेकर ही है, इसमें और कुछ कहानी नहीं है। मतलब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बताओ कि क्या है, कैसे है, कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए सरकार को एक वार्ड बनवाना चाहिए, कुछ गाइडलाइन जारी करना चाहिए। जब कोरोना आया था हजारों प्रकार की गाइडलाइन थी, हाथ धो, ये करो वो करो, लेकिन अब जो कोरोना के जो वैक्सीन लगी उससे लोग मर रहे हैं, उस पर कोई गाइडलाइन नहीं है। सरकार मतलब ध्यान ही नहीं दे रही है कि कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, सरकार को एक गाइडलाइन जारी ही करना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी के तौर पे सरकार जो है कुछ गाइडलाइन जारी करे कि हाँ भैया ऐसे करोगे, ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं,
अब हॉस्पिटल में व्यवस्था करवानी चाहिए, कुछ जो है ऐसे डॉक्टर को हायर करना चाहिए कि जो जो हम मतलब हार्ट की बीमारी के बारे में जानकार हों। ठीक है, अब हो क्या रहा आजकल, ये भी आप देख रहे होंगे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं टोटली फ्रॉड हैं। ये बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, टोटली फ्रॉड है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे मर जाओगे, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ देखा जा रहा है। और सरकार जो कई प्रकार की स्कीम है वो निकाल रही है, करीब या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, मैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर बैठवाया हूँ। मैं मानता हूँ कि वो डॉक्टर जो है MBBS MD वगैरह बैठवाए हैं, लेकिन वो डॉक्टर किसी काम के नहीं। ठीक है सर, अभी आप सरकारी हॉस्पिटल में दवा वगैरह लेने जाओगे कुत्ते की तरह तुमको डांटेंगे। ठीक है, तुम्हारा कोई केयर वगैरह नहीं होगा। अभी वही प्राइवेट में जाओगे जहाँ पैसा देना है, वहाँ आपकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब प्राइवेट में जाने के लिए आपको चाहिए पैसा। अब आप अगर आप डेली का 100 रुपये कमाते हो तो प्राइवेट में जा करके कैसे इलाज करवा पाओगे? अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है तो प्राइवेट में जाओगे 10 लाख रुपया लगेगा, सिंपल सी बात है। करवाओगे कैसे? उसके लिए आपको यूट्यूब पर आना होगा। अब एक ही बिजनेस से आप कमा नहीं पाओगे। मैं आपको YouTube से कमाना सिखा रहा हूँ या अपने दूसरे चैनल पर, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसको सब्सक्राइब करो। YouTube से कमाओ, YouTube से कमाओ और भी जगह से कमाओ, मतलब कमाओ, सिंपल सी बात है। क्योंकि सरकार के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी विद्यालयों में कुछ नहीं होता, टोटली जीरो। मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिसेंटली भोग चुका हूँ, मेरे ऊपर पड़ चुका सर, उसकी भी एक जो है वीडियो बनेगी। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल चक्कर में पड़ करके मेरे जो है सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका। अब उसके बारे में भी एक वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। ठीक है, इस समय काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बदले आप मुझे क्या दे रहे हो? सिर्फ आपसे लाइक करने के लिए बोलते हैं ना, नीचे लाइक का बटन लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करो। और अगर यूट्यूब से कमाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हो। आप YouTube पर देखते होंगे कई लोग जो है ऑनलाइन कमा करके 4-व्हीलर निकलवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ये सब सच्चाई है सर, इस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हो। लेकिन आपको काम करना चाहिए, आप किसी को गुरु मानो, फॉलो करो, वो जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। वो ऐसे हवा हवाई नहीं बोलता है, गुरु आपको पढ़ाने जाता साला पहले पढ़ के जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ आपको अगर सिखाने आया हूँ तो मैं भी रगड़ के आया हूँ। ठीक है, पीछे समझ रहे हो। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कर रहे थे, तो सरकार को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए भैया, सरकार जिम्मेदारी उठाए, हॉस्पिटल में वार्ड बनवाए, उनका इलाज, जिनको भी टीटीएस सिम्टम्स आए उनका इलाज टोटली फ्री होना चाहिए, चाहे जितना पैसा लगे। लेकिन अभी किसी को टीटीएस सिम्टम्स आया, सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहाँ कुछ नहीं किया जाएगा, ये भी मैं जानता हूँ, समझ रहे हो। और प्राइवेट में इलाज करवाने की जो है क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में अभी नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, 100-200 रुपये दिन का कमाते हैं, सिंपल सी बात है। अब दिन का अगर 100-200 रुपये कमा रहे हो तो 10-20 लाख इकट्ठा कैसे करोगे? अगर हार्ट की बीमारी आपको हुई, हार्ट अटैक आया है, तो 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच जो है उसका इलाज होता है, सिंपल सी बात, मान लो प्राइवेट में जाओगे, वो भी बचने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं। बचोगे या नहीं बचोगे उसकी बात की है। ठीक है, तो कोविशील्ड जबरदस्ती लगवाया गया है, इसकी भी बात आप मानते हो, जबरदस्ती, उधर वैक्सीन नहीं कोई लगवा रहा था, जबरदस्ती लगवाया गया, वो भी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन जिंदगी बचाते बचाते क्या है, जिंदगी खतरे में आ गई है, अब बताओ। अरे भैया कुछ भी नहीं करते, जो मोदी जी अपना फोटो नहीं हटवाते तब भी लोगों को तसल्ली आती, हाँ भैया क्या है, रिस्पांसिबिलिटी कुछ है इनके ऊपर। लेकिन अब क्या है, जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई, अब आदमी तो भाई लगवाएंगे ही, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि आप भाई यहाँ काम नहीं कर सकते, इस कॉलेज में नहीं जा सकते, बैंक में नहीं जा सकते वैक्सीन बिना लगवाए, तो जाएगा भाई, वैक्सीन लगवाएगा, जाहिर सी बात आदमी जो है वो वैक्सीन लगवाएगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद जब आज मुसीबत आई हो उन आदमियों के ऊपर जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है, तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं बन रहा? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए सर। सर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो है ऐसा करना उचित था, जो मोदी जी अपना फोटो हटवा लिए हैं सर्टिफिकेट से, क्या ये उचित है? हमें कमेंट करें। और आपको क्या लगता है, ये अफवाह है या फिर ये जो है सच्चाई है, ये भी आप हमें कमेंट करें। और अगर आपके पास पैसा नहीं, कुत्ते की तरह दुनिया जो है डांटेगी, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे भगा दिए जाओगे, सरकारी विद्यालयों में जाओगे कुत्ते की तरह व्यवहार होगा, इसके लिए आपको पैसा कमाना होगा, आप प्राइवेट में सब काम कराओ, उसके लिए पैसा कमाना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि बार बार जो है कह रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा जब दिमाग खराब होता है ना, मैं सच्चाई उगलता हूँ, मुँह से आग उगलता हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक करके भाग जाओ वीडियो को, ठीक है। लेकिन पैसा बिना रहे तुम्हारा इलाज कहीं नहीं हो सकता, बिना पैसा रहे आपका बच्चा कहीं पढ़ भी नहीं सकता, ये भी जानते हो, तो इसीलिए मैं सिखाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पैसा। हाल ही में मनोज दे
बहुत बड़े टेक क्रिएटर हैं, वो जो है भर्ती हुए थे, 35-40 हज़ार रुपया उनका एक दिन का लग रहा था, उनके पास अथाह पैसा है, इसीलिए वो देते रहे, ठीक है। और कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी अगर भर्ती हो, 35-40 हज़ार एक दिन का लगे, वो तो मर जाएगा, गारंटेड है मरेगा, उसको मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग की पट्टी खुलनी चाहिए सर, ये अफवाह नहीं है, सच्चाई है। और आपको देखना है कि आपको काम कहाँ करना है, किसको वोट देना है, क्या कैसे करना है। वो वैसे तो अपनी राय हमें जरूर बताना, और YouTube से कमाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।